Hey guys, this is Tomster and after a long time of break, I'm back with another video. और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको गॉड ऑफ वॉर सीरीज के 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपने कभी सुने ही नहीं होंगे और इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि लास्ट वाला फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है. एंड याद से अगर आपको वीडियो पसंद है देन प्रेस दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. और इसी के साथ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. वॉच योर टोन बॉय. वेल, अगर तुमने गॉड ऑफ वॉर की कोई सी भी गेम खेली होगी तब तुम्हें पता होगा कि पूरी गेम में ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स रियल गॉड्स पे बेस्ड हैं, लेकिन क्रेटोस जो कि मेन कैरेक्टर है वो एक फिक्शनल गॉड तो है ही पर वो एक असली ग्रीक गॉड से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है जिसका नाम क्रेटस है और इसे CRATUS स्पेल करते हैं. हालांकि दोनों अलग है पर फिर भी दोनों में काफी सिमिलैरिटीज और डिफरेंस भी है. जैसे कि ग्रीक मैथोलॉजी के गॉड क्रेटस को पावर, स्ट्रेंथ और ब्रूट फोर्स के लिए डिनोट किया जाता है और यही चीजें क्रेटोस के भी अंदर है. लेकिन इनका एक डिफरेंस ये है कि जहां ग्रीक मिथ में क्रेटस ज़ियूस और बाकी गॉड को सर्व करता है एंड उनकी रिस्पेक्ट करता है, वहीं पे अपना क्रेटोस इसका एग्जैक्ट अपोजिट है जिसने अपना रिवेंज लेने के लिए सारे ओलंपियन गॉड्स को मार दिया था और पूरी ओलंपस को तबाह कर दिया था. क्रेटोस एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने से बड़े कैरेक्टर्स से भी लड़ते वक्त कभी नहीं डरता है. और जहां तक मुझे याद है क्रेटोस का सबसे बड़ा एनिमी क्रोनोस था जो कि गॉड ऑफ वॉर के ड्रैगन से भी ज्यादा बड़ा था, ऑल्सो बिकॉज ही वॉज अ टाइटन. बट स्टिल क्रेटोस ने उस फाइट में क्रोनोस के पेट के अंदर से ब्लेड ऑफ ओलंपस का यूज किया और उसके पेट को बीच से फाड़ दिया जो कि बहुत क्रूल बट बैड एस सीन था. पर क्या आज तक तुमने कभी सोचा कि क्रेटोस की हाइट कितनी होगी? वेल, सेंटा मोनिका जो कि गॉड ऑफ वॉर का डेवलपिंग स्टूडियो है उसने कंफर्म कर दिया कि क्रेटोस की हाइट 7.6 फीट कॉमिक में है 6.4 फीट गेम में. मतलब देखा जाए तो क्रेटोस खली पाजी और अंडरटेकर से भी ज्यादा छोटा है. वेल, अगर तुमने गॉड ऑफ वॉर 2018 खेली है तब तुम्हें ये तो पता ही होगा कि क्रेटोस कैसे अट्रियस को बॉय कहकर बुलाता है. लिटरली ये बात इतनी फनी है कि इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बन रखे हैं. पर इसके पीछे का रियल ट्रुथ ये है कि कोरी बालोक जो कि गॉड ऑफ वॉर 2018 के डायरेक्टर हैं, उन्हें अट्रियस का नाम ढूंढने में काफी टाइम लग रहा था एंड गेम की डेवलपिंग लेट ना हो इसलिए उन्होंने अट्रियस को बॉय रेफरेंस देके गेम में शो किया. वेल, स्टार्टिंग में काफी अजीब लगता है बट बाद में चीज भी गेम में सूट करने लग जाती है बिकॉज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन क्रेटोस एंड अट्रियस, दैट्स व्हाई गेम के हर सीन में आर्ट्रियस क्रेटोस के साथ ही है. क्या तुम्हें पता है कि गॉड ऑफ वॉर ने भी अपने टाइम की बेस्ट गेम से इंस्पिरेशन ली है? ये बात है साल 2003 या 4 की जब डेविड जेफे जो कि उस टाइम के गॉड ऑफ वॉर के डायरेक्टर थे तब उन्होंने ओनिमुशा नाम की एक कैपकॉम गेम खेली थी. ओनिमुशा रेजिडेंट ईवल की तरह थी बस उसमें मेन कैरेक्टर एक निंजा था और वो गेम जापानीज माइथोलॉजी में सेट थी और उस गेम में हम डीमंस को मारते हैं. एंड जस्ट लाइक ओनिमुशा डेविड एक गेम बनाना चाहते थे लेकिन वो गेम ग्रीक माइथोलॉजी में सेट होती और ऐसे ही गॉड ऑफ वॉर बनी. गॉड ऑफ वॉर ने ओनिमुशा के साथ साथ ICO, अमेरिकन मैगी एलिस और डेविल मे क्राई सीरीज से भी इंस्पिरेशन ली थी. वेल, हमने क्रेटोस को इतने सालों से देखा है लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि क्रेटोस इमोर्टल है या नहीं? सो कोरी वालों ने कंफर्म कर रखा है कि क्रेटोस कभी मर नहीं सकता है एंड उसे अपने फेट को एक्सेप्ट करके ही जिंदा रहना पड़ेगा. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्रेटोस को मारा नहीं जा सकता. क्रेटोस कभी भी कोई नेचुरल कॉज की वजह से नहीं मर सकता है लेकिन अगर कोई उसे मार दे तब वो मर जाएगा एंड आई प्रे कि ऐसा बिल्कुल ना हो. क्रेटोस को देखते काफी टाइम हो गया है लेकिन क्या आपको क्रेटोस के एज के बारे में पता है? वेल, कुछ टाइम पहले तक मुझे भी नहीं पता था. खैर, क्रेटोस की एग्जिस्टेंस को कितने साल हो गए इसका एग्जैक्ट नंबर तो किसी को भी नहीं पता है बट देखा जाए तो स्पार्टन्स 30 साल की ही एज में शादी कर सकते हैं एंड अगर लगा लो क्रेटोस ने ही तभी शादी करी होगी तब वो भी 30 साल का ही होगा और उसने अपनी बेटी को 8 साल की उम्र में ही गलती से मार दिया था एंड उसके बाद उसने गॉड्स को 10 साल तक सर्व भी किया जिससे उसकी एज 48 ईयर्स हो जाती है एंड उसके बाद जितने भी इवेंट्स हुए उन सबको सम अप करके क्रेटोस की एज 200 साल बनती है जो कि बहुत बड़ा नंबर है. वेल, गॉड ऑफ वॉर ने काफी अवार्ड जीते हैं लेकिन 2010 में क्रेटोस को स्पाइक वीडियो गेम अवार्ड्स में बिगेस्ट बैडेस्ट गेम कैरेक्टर का अवार्ड मिला था जो कि भाई मेरे हिसाब से सबसे सही अवार्ड है. प्लस उसके 8 साल बाद यानी 2018 में गॉड ऑफ वॉर 2018 को बेस्ट वीडियो गेम ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था. टेरेंस कॉनर कार्सन जिन्हें टीसी कार्सन भी कहा जाता है ये सबसे पहले वॉइस एक्टर थे क्रेटोस के एंड लिटरली इनकी वॉइस एक्टिंग सबसे आइकॉनिक थी एंड हर कोई इन्हें इसी वजह से जानता था एंड इन्हें रिस्पेक्ट करता था. प्लस इन्हीं की वॉइस एक्टिंग की वजह से क्रेटोस को एक यूनिक लुक मिला और गेम की सीरीज काफी बड़ी बनी. लेकिन 2018 में इन्हें क्रिस्टोफर जेयर से रिप्लेस कर दिया गया एंड इसका रीजन बताया गया मोशन कैप्चर. बेसिकली क्रेटोस का रोल प्ले करने के लिए टीसी कार्सन की हाइट काफी कम थी जिसकी वजह से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया एंड सबसे सैड पार्ट तो ये है कि उन्हें रिप्लेस भी बिना बताए किया गया. गॉड ऑफ वॉर 2018 में आर्ट्रियस की इलनेस से उससे रिकवर करने के लिए आप हेलहेम जरूर गए होंगे एंड वहाँ पे आपने बैकग्राउंड में एक बड़े से ईगल को देखा होगा जो कि जायंट है एंड उसका नाम हरिस वेलगर है. खैर, एक थ्योरी के हिसाब से ये ईगल पहले बॉस फाइट के लिए यूज होने वाला था लेकिन बजट टाइट होने की वजह से इस प्लान को कैंसिल करना पड़ा. एंड अगर आपको नहीं पता तो बॉस फाइट को बनाने में काफी पैसे लगते हैं.
इस वीडियो का सबसे बेस्ट फैक्ट, क्रीटोस का सबसे बेस्ट एंड आइकॉनिक वेपन ब्लेड ऑफ क्योस। लिटरली इस वेपन को कौन नहीं जानता होगा। ब्लेड ऑफ क्योस हमें गॉड ऑफ वॉर 2018 के हाफ वे में मिलता है, जो कि एक टाइम पे हमारा डिफॉल्ट वेपन हुआ करता था। खैर, इस वेपन के 3 इटरेशन है, पहला ब्लेड ऑफ क्योस, दूसरा ब्लेड ऑफ अथीना एंड तीसरा ब्लेड ऑफ एक्साइल। पहला वाला यानी ब्लेड ऑफ क्योस एरीस ने गॉड ऑफ वॉर 1 में ही ले लिया था एंड दूसरा ब्लेड ऑफ अथीना को डिस्ट्रॉय करके ही ब्लेड ऑफ एक्साइल बनाया गया, जो कि क्रेटोस ने लास्ट तक यूज किया। थियोरेटिकली इसका मतलब जो वेपन क्रेटोस वील्ड कर रहा है करेंटली वो ब्लेड ऑफ क्योस नहीं ब्लेड ऑफ एक्साइल है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका डिजाइन ब्लेड ऑफ क्योस की तरह है, ये अभी तक किसी को भी समझ में नहीं आया। खैर, ये थे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। एंड आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा बढ़िया लगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए देन प्रेस द लाइक बटन टू अप्रिशिएट माय वर्क एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, जिससे आप मेरे चैनल के न्यू अपडेट्स को मिस ना करो। एंड इसी के साथ मैडम से मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, कीप गेमिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू।